चाहे धरती ऊपर चली जाए और आसमान नीचे आ जाए, लेकिन ये रूल नहीं चेंज होगा, चाहे हम किसी भी टेंस में लिख रहे हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की एक्सरसाइज, जिसमें कि आपकी टेंसेस की नॉलेज और आपकी इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज जो है वो चेक हो जाएगी। वो क्या है, कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दे रही हूँ और उसमें क्या है, आपको करेक्शंस करनी है। मतलब हर सेंटेंस में कोई ना कोई एक गलती है और वो गलती जो है आपको पकड़नी है और उसको करेक्ट करना है। तो पहले आप ये वाले सारे सेंटेंसेस देख लीजिए, मैं दो मतलब थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे रखती हूँ और आप सोच लीजिए या नोटबुक में नोट कर लीजिए कि क्या इसके करेक्शंस हो सकते हैं, और फिर उसके बाद जो है मैं आपको कराऊंगी और फिर आप देखना कि आपके सेंटेंसेस ठीक थे या नहीं थे। और आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर ज़रूर बताना भी कि आपके कितने सेंटेंसेस ठीक आए। ये वाले सेंटेंसेस जो हैं किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो हैं वो सूटेबल है, चाहे बच्चा छोटी क्लास में है, चाहे आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है ये वाले सेंटेंसेस, और वैसे भी किसी भी लेवल के स्टूडेंट को ये दिए जा सकते हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि कॉलेज लेवल तक के स्टूडेंट्स जो है इन सेंटेंसेस को जो है ना ठीक नहीं कर पाते हैं कई बार, क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं सेंटेंस बताऊंगी भी कि कौन सा सेंटेंस किस तरह से करेक्ट होगा और क्यों ऐसा होगा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, इसी तरह की वीडियोज मैं लेके आती रहती हूँ जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़े और आपका कॉन्फिडेंस भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस नंबर वन से। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी कि नीचे फॉलोइंग मतलब नीचे दिए गए सेंटेंसेस को करेक्ट करो। फर्स्ट है आई प्लेज विद माई फ्रेंड्स, कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता हूँ या फिर खेलती हूँ। इसमें क्या गलती है बताइए, इसमें ये है कि यहाँ पर प्लेज की बजाय प्ले आएगा, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। कौन से टेंस का? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी हम लिखते हैं कोई भी वर्ब तो उसमें आई के साथ एस या ईएस नहीं आता है, ठीक है। तो होगा आई प्ले विद माय फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता हूँ या फिर खेलती हूँ। मैंने वैसे अपने चैनल पर टेंसेस को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपको टेंसेस अच्छे से नहीं आते हैं तो वो वाली वीडियोज आप मेरी देख सकते हैं, अलग से एक प्ले लिस्ट बनी हुई है उनकी, तो वहां पर जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आगे चलेंगे शी सॉल्व 10 सम्स एवरी डे। एवरी डे मतलब हर रोज वो 10 सम्स सॉल्व करती है, तो इसमें क्या गलती है, इसमें गलती है सॉल्व की, सॉल्व की बजाय यहां पे आएगा सॉल्व्स, ठीक है। शी सॉल्व्स 10 सम्स एवरी डे, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है। इसमें क्या होता है कि ही शी और मतलब वन पर्सन के साथ जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस आता है। मतलब एस और ई एस क्यों बोलते हैं, कि जैसे कि गो हो गया तो ई एस लगाना पड़ेगा ना गोज, अब जैसे सॉल्व है तो ओनली एस से ही काम चल गया है ना, सॉल्व्स, ये कहना चाह रही हूं मैं, ठीक है। तो शी है तो सॉल्व्स आएगा, और सारे सिंगुलर्स के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ई एस लगता है, और बट आई और यू को छोड़कर, तो आई और यू जो है उसके साथ वही फॉर्म ऑफ वर्ब आती है जो प्लूरल्स के साथ आती है। अगले सेंटेंस में आपको और भी क्लियर हो जाएगा, जैसे कि ये द चिल्ड्रन लाइक्स टू ईट मैंगोज, इसमें क्या गलती है, इसमें चिल्ड्रन है ना, चिल्ड्रन का क्या मतलब होता है, बच्चे, चाइल्ड होता है सिंगुलर, चिल्ड्रन होता है प्लूरल। और एक चीज यहाँ पर बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इवन बड़े बड़े लोग भी जो गलती करते हैं कि चिल्ड्रंस लिखते हैं, बच्चों को अगर लिखना होता है ना बच्चों या बच्चे तो चिल्ड्रंस लिखते हैं, चिल्ड्रंस कोई वर्ड नहीं है, ठीक है, है लेकिन वो अपोस्ट्रॉफी के साथ आता है, तो वो अलग से किसी वीडियो में हम बात करेंगे। तो चिल्ड्रन ये क्या है, प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ एस या ईएस नहीं आता, तो क्या आएगा, ओनली लाइक, तो द चिल्ड्रन लाइक टू ईट मैंगोज। तो मैंने क्या बताया था, सभी प्लूरल्स के साथ, ऑल प्लूरल्स प्लस आई एंड यू के साथ एस या ईएस नहीं आता है, ठीक है, एस या ईएस नहीं आता है, और बाकी जो सारे सिंगुलर्स हैं आई और यू को छोड़कर उन सबके साथ एस या ई एस आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है शी गो टू द मार्केट एवरी डे, इसमें क्या गलती है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। मैंने ज्यादातर सेंटेंसेस इसी तरह के दिए हैं ताकि अगर आपको इस चीज में प्रॉब्लम है तो वो आज क्लियर हो जाए आपकी पूरी। तो शी गो टू द मार्केट एवरी डे, तो क्या आएगा यहाँ पर, शी गोज, क्यों गोज आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, वन पर्सन है, ठीक है, और आई और यू भी नहीं है, अगर आई और यू होता तो गो होता है यहाँ पे, अगर ये होता आई गो टू द मार्केट एवरी डे,
ठीक है, तो गो होना था, अगर यू होता तो गो आ जाना था, लेकिन शी है तो क्या आएगा, गोज। ओके, शी गो टू द मार्केट यस्टरडे। यस्टरडे क्या होता है, बीता हुआ कल, जो कल बीत गया, ठीक है, बीता हुआ कल, ठीक है, यस्टरडे, तो बीता हुआ कल, तो वो गई थी मार्केट, बीता हुआ कल में ये तो नहीं कहेंगे ना कि वो अभी कल मार्केट जाती है, कल मार्केट जाती है मतलब जो कल बीत गया उसमें, तो इसमें क्या आएगा, ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, शी वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। यस्टरडे मतलब कल, जो बीत गया कल, तो वहां पर गई थी। तो गो की थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब ये होती है ना, गो, वेंट, गॉन, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है तो वेंट आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आगे, शी ऑफन टेक रेस्ट आफ्टर लंच। ऑफन आ गया बीच में, तो ये मत समझना कि ऑफन आ गया बीच में तो अब हम क्या करें वर्ब के साथ। ऑफन का मतलब है कि वो अधिकतर, ज्यादातर, तो वर्ब तो वही आएगी जो शी के साथ आती है, तो शी ऑफन, अब टेक आएगा तो टेक है तो क्या आएगा यहाँ पर, टेक्स। क्यों, क्योंकि शी है ना, शी के साथ हम एस और ई एस लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है कि वो ज्यादातर लंच के बाद जो है वो रेस्ट करती है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हुआ ना, तो क्या हुआ, She often takes rest after lunch. Next है, the students are listen to their teacher. तो इसका क्या मतलब है कि जो students हैं वो अपने teacher को सुन रहे हैं, students, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गलती, आपको I hope idea हो गया होगा, यहाँ पे आएगा listening. ये कौन सा tense है, present continuous. जब भी present continuous tense होता है guys, तो उसमें क्या होता है, is लगता है, am लगता है या फिर are लगता है, प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, ठीक है। तो द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू द टीचर, जब भी कभी इज एम आर लगेगा ना, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब भी हम लिखेंगे कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हो रही है जब हम बोल रहे हैं। द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू देयर टीचर, जो स्टूडेंट्स अपने टीचर को सुन रहे हैं। अगले पे चलते हैं, एट पे, ही ट्राई, अगर आपने खुद से ट्राई करना है तो वीडियो को बेशक यहाँ पे पॉज करके सारे सेंटेंसेस नोट कर लीजिए या फिर इनके आंसर्स जो हैं वो चेक कर लीजिए, मतलब सोच लीजिए और फिर उसके बाद देख लेना, ठीक है। ही ट्राई टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है ना, कि वो सभी प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई करता है, तो क्या आएगा यहाँ पर, ट्राइज। He tries to solve every problem, कि वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करता है, क्योंकि ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीछे जो सेंटेंस था ये वाला solves, कौन सा था ये वाला, She solves 10 sums every day, अब यहाँ पे solves है, अब वहां पे क्या है, He tries to, तो यहाँ पे ट्राई का हो गया ट्राइज, अब यहाँ पे टू है, टू के बाद आएगा सॉल्व। अब यहाँ पे मत सोचना कि क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो ट्राइज भी कर दें और सॉल्व्स भी कर लें, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स बहुत बारी मुझे पूछते थे कि मैम यहाँ सॉल्व्स क्यों नहीं आएगा अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब ये वाली है, ठीक है, ट्राई, कि वो ट्राई करता है हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। और एक और चीज बता दूं आपको, बहुत ही ज्यादा जो कि जरूरी है आपको जाननी, कि जहां पर टीओ टू आ जाता है ना, टीओ टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। कहते हैं मतलब ऐसे, हमारे टीचर तो हमें ऐसे सिखाते थे कि चाहे धरती नीचे आ जाए और आसमान, सॉरी, चाहे धरती ऊपर चली जाए और आसमान नीचे आ जाए, लेकिन ये रूल नहीं चेंज होगा, चाहे हम किसी भी टेंस में लिख रहे हैं। जैसे अगर मैं यहां पर ये बोलूं, ही ट्राइड टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम, कि उसने हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई करी, अगर ट्राइड लिख दूं, ठीक है, ये ट्राइड भी आ सकता है वैसे यहां पर, कि उसने हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई करी, की मतलब पास्ट टेंस में, कि उसने की थी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने, हर ट्राई करी थी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, यहां भी सॉल्व ही रहेगा, क्योंकि टीओ टू आ गया ना, तो टीओ टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, ध्यान रखोगे ये वाली बात। द चाइल्ड इज प्ले इन द गार्डन, जो बच्चा है वो गार्डन में खेल रहा है, क्यों, इज है ना यहां पर, तो क्या आएगा, प्लेइंग, द चाइल्ड इज प्लेइंग इन द गार्डन, कि जो बच्चा है वो गार्डन में खेल रहा है, इज एम आर जहां भी आ जाएगा, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, ठीक है ना। तो अगर इसके बाद ही हमने वर्ब लगानी है, तो द चाइल्ड इज प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चा गार्डन में खेल रहा है। आई एम रीड अ बुक, तो क्या होगा, मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी, वैसे आप कर ही लोगे, एम है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, रीडिंग,
आई एम रीडिंग अ बुक, मतलब मैं एक बुक रीड कर रहा हूँ। आई होप गाइज आपको सब, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही है ना सेंटेंस, ठीक है। आई होप गाइज आपको अच्छी लगी होगी ये वाली वीडियो और आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ, मेरे को आई एम वेरी होपफुल कि आपको आपकी नॉलेज जो है वो बढ़ी होगी इससे। अगर आपका आंसर येस में है, लाइक के बटन को प्रेस कर देना और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज मैं लेके आती रहती हूँ जिससे आपकी नॉलेज बढ़े और साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी। तो आई होप आज आपकी नॉलेज भी बढ़ी होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी। तो चलिए करते हैं अब गुड बाय, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स।